गांधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने कहा है कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के भुसते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। यदि हमने अपनी लाइफ में कोई भी सपना देखा है ना, तो उसे देखने और उसे पूरा करने में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे अंदर कुछ नया करने की कितनी ज्यादा शक्ति है। बस अपने आप को पहचानने की देरी होती है। YouTube को स्टार्ट करना मेरे लिए काफी बड़ा चीज था, काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं था ये सब चीज करना। आज तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स आज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यूट्यूब करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने ये सब सोचने में बहुत टाइम लगाया। हम सभी अपने जीवन में बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन बस लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोगों की निंदा से परेशान होकर हमें अपना रास्ता कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो सफलता है ना, वो शर्म से नहीं, दृढ़ मेहनत और साहस से आती है। मैं भी यही सोचती थी हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, मेरे वीडियोस कोई देखेगा या नहीं, कोई पसंद करेगा या नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि यदि सपना मैंने देखा है तो उसे पूरा भी मुझे ही करना होगा, और बस मैंने इसी सोच के साथ यूट्यूब की जर्नी शुरू कर दी। मैंने वीडियोज डालना स्टार्ट कर दिया, किसी को भी नहीं बताया कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा यही मानना है कि लोगों को अपनी प्लानिंग मत बताओ, उनको रिजल्ट दिखाओ। आपने जो सोचा है करने को वो उन्हें बताओ नहीं, सीधे करके दिखाओ उन्हें, क्योंकि दुनिया आपके प्लानिंग्स पर उतना विश्वास नहीं करती, वो हमेशा रिजल्ट पर विश्वास करती है। आप उसे चाहे कितना भी कह लो कि मैंने इतना मेहनत किया, ये किया, वो किया, लेकिन मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, वो उस पर विश्वास नहीं करेगी। वो हमेशा आपको ब्लेम करेगी कि आपने सही ढंग से प्रयास नहीं किया। और बस इसी सोच के साथ मैंने YouTube की जर्नी स्टार्ट कर दी। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं YouTube पे वीडियोस डालती हूँ, मेरा एक चैनल है, किसी के साथ नहीं बताया, बस अपनी मम्मी और अपनी बहनों को बताया, और मैंने बस शुरुआत कर दी। जो कुछ भी मेरे पास था, यहाँ तक कि मेरे पास बस एक फोन के सिवाय और कुछ भी नहीं है, जो कुछ था मेरे पास बस मैंने उससे शुरुआत कर दी। और आज देखिए, यदि मैं सिर्फ सोचती रह जाती ना, तो शायद ये सब जो आज हो गया वो कभी नहीं हो पाता। जो ये सफलता मैंने प्राप्त कर ली वो कभी नहीं कर पाती, यदि मैं सिर्फ सोचती रह जाती तो। और इन सभी में ना आप सभी का सबसे बड़ा योगदान है। आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मेरा साथ दिया, मेरे साथ आप जुड़े हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैं शब्द में नहीं बता सकती आपको कि मैं कितने ज़्यादा खुश हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच आज मैंने जाना ना कि वही यात्रा असंभव है, वही लक्ष्य अधूरा है, जिस लक्ष्य की आपने शुरुआत नहीं की। यदि मैं भी सोचती रह जाती और शुरुआत नहीं करती, तो आज ये सब कुछ भी नहीं हो पाता। और ये सब कुछ आप लोग की वजह से हुआ है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और इतनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। जो सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो मैंने इतनी जल्दी कंप्लीट कर ली, ये सब आप लोग के सपोर्ट की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है, इतना बड़ा मेरे लिए आज खुशी का दिन है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने सबसे फेवरेट नाश्ता बनाऊंगी, समोसा, और आप सभी को भी खिलाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तैयार करेंगे आलू का मसाला, और उसके लिए मैंने कुछ खड़े मसालों के साथ साथ मिर्चा और अदरक को भी मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से मैं इसे पीस लूंगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें डाली है मूंगफली, और उसको बस हमें रोस्ट कर लेना है। फिर उसी तेल में मैंने डाला है जीरा। जब वो जीरा तड़क गया है तो मैंने जो मसाला पीसा था ना, उसको बस डाल दिया और हल्का सा हम इन्हें भून लेंगे। इसे भूनने के बाद हमने जो आलू बॉयल करके रखा था उसको बस इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से और मिला देंगे। अब इसके बाद हम मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर, और आधा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होगी, कढ़ाई लग रहा गिर जाएगा। अरे
समोसा बनाने के लिए आलू का मसाला तो बनके तैयार हो गया, तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं आटा। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा और उसमें डाला है आधा चम्मच के करीब काली कलौंजी और थोड़ा सा नमक, और बस इसमें थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल करके मैं इसका आटा लगाने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही तेल डालकर हमें आटा लगाना है, जब तक कि आटा हाथ में लेने पर अच्छे से बंधने न लगे तब तक हमें इसमें तेल डालना है, और जब आटा हाथ में लेने पर अच्छे से बंधने लगे तो बस हमें तेल रोक देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका अच्छा सख्त आटा गूंथना है। समोसे का आटा सख्त होना चाहिए तभी समोसा अच्छा बनता है, मुलायम आटे से उतना अच्छा समोसा नहीं बनता। तो बस मैंने समोसे का आटा लगा के उसको ढक दिया है 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे हमारी जो आलू का मसाला था वो ठंडा हो चुका था तो मैंने बस टेस्ट कर लिया, अच्छा बना है। और चलिए अब बनाते हैं समोसा। समोसे को हमें एकदम गरम तेल में कभी नहीं छानना चाहिए, इससे ना समोसे में बबल्स आ जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। हमेशा हमें इसे लो फ्लेम पे ही छानना चाहिए। शुरुआत में जब हम शुरू शुरू में तेल डालते हैं तो उस समय तेल ठंडा होता है, तो बस हमें उसी समय समोसे डाल देना चाहिए। जब दूसरी बार हम छानने जाते हैं समोसा तब हमें क्या करना चाहिए ना कि आंच को धीमा कर देना चाहिए, जब तेल ठंडा हो जाए तब हमें उसमें समोसा डालना चाहिए और लो फ्लेम रखना चाहिए, और बस हल्का लाल होने तक अपने समोसे को छान लेना चाहिए। गरम गरम समोसे ही अच्छे लगते हैं, ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ मुझे समझ नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे साथ हमेशा यूं ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।